दोस्तों चाहे दाल में तड़का देने की बात हो या फिर सब्जी और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में स्वाद बढ़ाने की बात हो, दाल चीनी और तेज पत्ती का अलग ही महत्व है। परंतु दोस्तों क्या आप जानते हैं दाल चीनी और तेज पत्ती दोनों ही हमें अलग अलग पेड़ों से प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजन पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुउपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये तेज पत्ती का पेड़ है, इसे अंग्रेजी में बे लीफ के नाम से जाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम सिनेमोन टमाला है। और ये जो इसके कुल की मैं बात करूं तो ये लॉरेसी कुल से संबंध रखता है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये करीब 5 साल पुराना है और जैसे ही जैसे ये पेड़ पुराने होते जाते हैं इसकी पत्तियों में जो है और भी अधिक खुशबू आने लगती है। इसकी पत्तियों में प्रमुख रूप से एसेंशियल ऑयल यानी कि सुगंधित तेल पाए जाते हैं जो कि इसे विशेष गंध प्रदान करते हैं। सुगंधित तेल में भी अलग अलग तरह के पदार्थ, अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख रूप से कुछ मोनोटर्पेनॉइड्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। लिनेलॉल एक बहुत ही प्रमुख तत्व है जो इसकी पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी मात्रा इसकी पत्तियों में 50% से भी अधिक होती है जो कि इसे विशेष गंध प्रदान करता है। इसके अलावा भी कुछ और मोनोटर्पेनॉइड्स जैसे कि अल्फा पाइनाइन, बीटा पाइनाइन, लिमोनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि इसके पत्तियों को अलग ही तरह का गंध प्रदान करते हैं, जिससे कि हम इनकी पत्तियों को स्पाइसेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो आप तेज पत्ती देख रहे हैं इसकी मैं तुड़ाई की बात करूं तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि ये पेड़ पुराना होते जाता है 3 साल या उससे अधिक होने लगता है तो इसकी पत्तियों में जो है गंध और भी अधिक बनने लगती है, जो एसेंशियल ऑयल है वो और अधिक बनने लगती है। और इसकी पत्तियों की यदि मैं तुड़ाई की बात करूँ तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा यानी कि जो मार्च से लेके जून तक का महीना है यदि उस समय हम इसकी पत्तियों की तुड़ाई करें तो उसमें सबसे अधिक जो है गंध रहता है और वही जो है सबसे सही समय है इसकी पत्तियों की तुड़ाई का। दोस्तों तेज पत्ती की तुड़ाई की यदि मैं बात करूं तो आप कभी भी जो कोमल पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां हैं उसकी तुड़ाई आप कभी मत करिए, जो पुरानी पत्तियां हैं, जो पुरानी पत्तियां दिख रही हो आपको उसकी तुड़ाई करनी है क्योंकि पुरानी पत्तियों में ही सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है और यही पत्तियां हैं जिसको आप सुखा कर रखेंगे तो इसमें और अधिक आपको गंध प्राप्त होगी। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी आप तुड़ाई करें पुरानी पत्तियों का चुनाव करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो पुरानी पत्तियां हैं आपको इन्हीं का तुड़ाव करना है। इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद चाहिए कि इसको आप अच्छी तरीके से धो ले। पत्ती को तोड़ने के बाद आपको चाहिए कि आप इनकी पत्तियों को अच्छी तरीके से धो ले। धोने के बाद इसको आपको सुखाना है। सुखाते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि पत्तियां एक के ऊपर एक पत्तियों को नहीं रखना है, पत्तियों को अच्छी तरीके से फैला कर रखें और इसे आप हमेशा किसी छांवदार जगह में ही सुखाएं। धूप में आपको इसको बिल्कुल नहीं सुखाना है क्योंकि इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, सुगंधित तेल पाया जाता है, वो काफ़ी वोलेटाइल होता है और धूप में जो इसकी गंध है वो उड़ जाती है। तो आपको इसको हमेशा छांवदार जगह में ही सुखाना है। सुखाए कम से कम इसको आप 5 से 6 दिनों तक सुखाएं। दोस्तों देख सकते हैं आप ये 6 दिन के बाद ये पत्तियां पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। सूखने के बाद इसको चाहिए कि आप इसका भंडारण अच्छे तरीके से करें। दोस्तों अब ये पत्तियां उपयोग के लिए तैयार हैं। लाल चीनी का वनस्पतिक नाम जो है सिनेमोन वीरम है और वो भी उसी कुल से संबंध रखता है जिससे कि तेजपत्ती यानी कि लॉरेसी। दालचीनी जो है उसका जो वृक्ष होता है वो भी बिल्कुल तेजपत्ती की तरह दिखाई देता है लेकिन वो जो है अलग प्रजाति है, जीनस सेम है सिनेमोन लेकिन प्रजाति जो है वो अलग है। दालचीनी की तुड़ाई अधिकतर सितंबर से दिसंबर माह में की जाती है। दालचीनी की जो तुड़ाई की जाती है तो उसके लिए जो है
उन टहनियों का चुनाव किया जाता है जिसकी डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर हो। ऐसी टहनियों को तोड़ने के बाद उनसे उनकी पत्तियों को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उन टहनियों को पानी में डुबो दिया जाता है। डुबोने के बाद कुछ घंटे के बाद उनके छाल को निकालकर उसे छांव में कुछ दिन तक सुखाने के बाद धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उसे मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, ये जो तेज पत्ती है और ये जो दालचीनी है, देखने में दोनों के पत्ते, दोनों के पौधे काफ़ी कुछ समान नज़र आते हैं। दोस्तों, ये जो दालचीनी है और तेज पत्ती है, दोनों ही सेम जीनस से संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। लेकिन लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि दालचीनी और तेज पत्ती हमें एक ही पेड़ से प्राप्त होती है। बाजारों में जो दालचीनी और तेज पत्ती आती है, अधिकतर जो तेज पत्ती है उसकी छाल का उपयोग दालचीनी के रूप में कर लिया जाता है और दालचीनी की पत्तियों का उपयोग तेज पत्ती के रूप में कर लिया जाता है। और बाजारों में भी इसी तरह से ये जो पत्तियां हैं और छाल है उपलब्ध होती है, इसलिए लोगों में ये कन्फ्यूजन व्याप्त है कि दालचीनी और तेज पत्ती हमें एक ही पेड़ से प्राप्त होते हैं। दालचीनी का प्रमुख रूप से जो छाल है उसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। दालचीनी के भी छाल में एसेंशियल ऑयल यानी कि सुगंधित तेल पाया जाता है, जिसमें एक प्रमुख तत्व यूजेनॉल पाया जाता है, जिसकी मात्रा करीब 70% या उससे भी अधिक होती है, जो कि दालचीनी को सुगंध प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है, ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वक्त हो चला आप लोगों से विदा होने देने का। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक ले अलविदा, नमस्कार, बाय बाय।